सिमिलर ऑफेंस इन्होंने एसएस अफसर ने जुमा मस्जिद हेड ऑफिस में भी किया है, जो विदाउट अप्रूवल अपना पैसा अपने कंपनी को ट्रांसफर करके एक बोगस इनवॉइस दिया है और जो एक टेनेंट के पास जो पैसा लेकर हैं, इस बेसिस पर भी हम लोग मिसरिप्रेजेंट करके टेनेंट के पास जो पैसा लेकर हैं उस बेसिस पर भी हम लोग कमर्शियल सीट में एफआईआर करके हैं। बैंगलोर से जुड़ी सारी लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल सेक्युलर टाइम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सेक्युलर टाइम्स में आप सभी का इस्तकबाल है। बड़े अफसोस के साथ ये खबर है कि मुल्क के मुमताज मिल्ली इदारे जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड इख्तिलाफ व इंतिशार का शिकार हो चुका है। इस इदारे की हिफाजत और तरक्की के लिए मिल्लत के हर एक शख्स को आगे आने की जरूरत है। इसी सिलसिले में मस्जिद कादरिया के इहाते में जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई। चलिए जानते हैं मजीद तफसीलात जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के सेक्रेटरी उस्मान शरीफ की जुबानी। सेकुलर टाइम्स के लिए बैंगलोर से मोहम्मद यूसुफ अली की रिपोर्ट। सबसे पहली बात यह है कि इन द कैपेसिटी ऑफ सेक्रेटरी मुझे बहुत सारे कंप्लेंट्स आए अवाम से, मुसल्लियों से, तो इन जब कंप्लेंट्स हमें तफसीलात किए और बहुत सारे एलिगेशन थे इनके ऊपर, इन राइटिंग रिप्रेजेंटेशन दिया गया, तो इन तफसीलात करने के बाद हम लोग विजिट किए हमारी टीम के साथ खबरसान वगैरह, तो उधर नज़र आया कि कुछ घपला होकर है, तो वहाँ से पूरा डॉक्यूमेंट हम लोग कलेक्ट करके हमारे पैनल एडवोकेट से डिस्कस किए, तो हमारे जुमा मस्जिद के पैनल एडवोकेट एडवाइस किए कि दिस मैटर इज़ वेरी सीरियस इन नेचर, यू शुड हैंड इट ओवर टू लॉ अथॉरिटीज़। तो एज़ पर द एडवाइस ऑफ अवर लीगल काउंसिल वी हैव हैंडेड ओवर दी डॉक्यूमेंट्स इनको दिया है जो ज्यूरिसडिक्शनल पुलिस को है, तो वो डॉक्यूमेंट्स पूरे देखकर उन्होंने FIR रजिस्टर किया है। तो सिमिलर ऑफेंस इन्होंने SS अफसर ने जुमा मस्जिद हेड ऑफिस में भी किया है, जो विदाउट अप्रूवल अपना पैसा अपने कंपनी को ट्रांसफ़र करके एक बोगस इनवॉइस दिया है, जिसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो बोलते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है बोल के, तो उसके बेसिस पे भी और जो एक टेनेंट के पास जो पैसा लेकर हैं इस बेसिस पर भी हम लोग मिसरिप्रेजेंट करके टेनेंट के पास जो पैसा लेकर हैं उस बेसिस पर भी हम लोग कमर्शियल सीट में FIR करके हैं। तो और जो भी इनके ऊपर FIR करके हैं कोर्ट में इनकी अर्जी जो बेल के लिए पूछे थे खारिज कर दिए है। द कोर्ट हैज़ रिजेक्टेड हिज एप्लीकेशन ऑफ बेल साइटिंग द फॉलोइंग रीजंस दैट कि अगर उर्दू में बोलूँ अगर बस जी ये अभी एक तो ये करके फिर बाद में से कितना मिसअप्रोप्रिएशन कितना हुआ है जी, जो खबरस्तान में जो घोटाला किया है इन्होंने तो उसका पूरा हिसाब जब डाले हम लोग तो तकरीबन 13,85,000 का अमाउंट आता है और जो कमर्शियल स्ट्रीट का है तकरीबन 1,20,000 तक आता है जो घोटाले का अमाउंट है। तो इसमें कोविड पेशेंट के कोविड डेड बॉडीज का भी इसमें शामिल है जी, जो भी ये पैसा खा के हैं कोविड बॉडीज़ का ही पैसा खा के हैं खबरस्तान से, जो हमें पैसा वसूल होता था पर बॉडी 2,000 रुपये तो उसमें से 1,000 रुपये इसको पे किया गया जो पिट बरी का कवर करता है उसको, और उसमें से जब JCB आती है तो 20 पिट्स के लिए 9,000 रुपये करते हैं, उसको अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो पर पिट 450 होता है, जो 2,000 में से जो बैलेंस 450 अमाउंट होते हैं इनटू द नंबर ऑफ बॉडीज इतना पैसा ये खाकर हैं। ओके, अभी आप कोर्ट से आपने क्या रिक्वेस्ट किया? हम लोग कोर्ट ने वी हैव रिक्वेस्टेड द कोर्ट टू ऑर्डर अ जुडिशियल इंक्वायरी इनटू द मैटर व्हाट ही हैज डन, और इसके साथ साथ FIR भी जो लॉन्च करके हैं इसकी भी इनको बेल ना मंजूर हो कह रहे सेशंस कोर्ट में। यह बात भी जो है काबिल नामंजूर है कि कोविड के दौरान जो लोगों को दफनाया जाता था, जबकि JCB जो है आवर के लिए 800 रुपये में आती है, ये कवर के लिए 800 रुपये आती थे, तो जब भी हम लोग भी काम करते थे कोविड में, हम भी कोविड वॉरियर्स रह चुके हैं, हमने भी खिदमत की है, मैयतों को ले जाके दफनाया है, हॉस्पिटलों से शिफ्ट किया है, तो वहाँ पर ये बात बोलने की बात यह है कि JCB आती है गड्ढे खोद के चले जाते हैं, यानी कि खबर खोद के चले जाते हैं, JCB उधर पर स्टेशन नहीं रहती तो चले जाती है, फिर जैसे ही ज़रूरत पड़ती है तो JCB को बुला लेते थे। यहाँ पर खबरस्तान और एक है जो शापा का खबरस्तान कहते हैं टानी रोड में, तो वहाँ से यहाँ जो है टू एंड फ्रो होती थी JCB, तो इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि इतनी फीस क्यों लगाई गई, और अफसर खादरी ख़ुद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट दे चुके हैं कि वो जो है पैसा जो है जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के हक़ में नहीं जाता है, तो इसकी वजह से जो है इन्होंने क्या किया है क्या नहीं है अल्लाह बेहतर जाए और ख़ुद जाने। जहाँ तक एलिगेशंस हैं ये साबित हो चुके हैं, क्योंकि लोग शिकायत करते थे, मैं भी जो है उस शिकायत पे 102 मरतबा जो है गुजारिश की अफसर भाई को,
और दूसरी बात जो है इन्होंने फर्स्ट टाइम मीडिया को लेकर खबरस्तान में घुसे थे ये लोग, सेकेंड वेब में। आपका नाम? मेरा नाम शब्बीर अहमद है, मैं यहाँ से 35 साल का मुसल्ली हूँ मैं।